हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वीडियो का पार्ट टू आ गया, मोदक वाली वीडियो का जो पार्ट टू था, जिसमें मैंने बोला था कि मैं पैकिंग और उसकी कॉस्टिंग प्राइसिंग बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास कुछ बॉक्सेस है, ये वाला बॉक्स तो आपने पहले वाले वीडियोस में भी देखे हुए हैं, बट ये स्पेशल बॉक्स है, मोदक के लिए आते हैं ये स्पेशल बॉक्स। और इसमें कैविटीज़ होती हैं, ये आई थिंक 11 कैविटी वाला था और वो दूसरा वाला 21 कैविटी वाला है। और अब हम अपने मोदक्स को, मैंने ये कप लाइनर्स होते हैं और आपने मेरी पहली वाली वीडियोस में भी देखा हुआ है इन कप लाइनर्स को, उसके ऊपर रखे हैं और एक एक मोदक रखती जा रही हूँ हमारी कैविटी में। मुझे एक मोदक का जो ये बॉक्स था, ये थोड़ा साइज़ छोटा लग रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जो मोदक है वो प्रॉपर कैविटी के अंदर जाना चाहिए, बट ये थोड़े ऊपर ऊपर थे। आई डोंट नो कि ऐसे ही होते हैं मोदक के बॉक्सेस या फिर उसका प्रॉपर मतलब लाइक अंदर तक जैसे जाते हैं मोदक, जैसे हमारी जो चॉकलेट कैविटीज़ होती है वो प्रॉपर अंदर रहती है ना बॉक्स के। तो बट ठीक था ये, अच्छा मतलब काम कर गया मोदक बॉक्स जो था। बट जो बड़े वाले मोदक्स बनाए थे ना मैंने, उनके लिए नहीं था ये बॉक्स। तो अगर आप परचेज़ करोगे तो ये जरूर देख लेना कि जो मोदक वाली कैविटी है वे छोटे वाले मोदक के लिए है या बड़े वाले मोदक के लिए। और ये बॉक्स मिला था मुझे आई थिंक 30 to 35 रुपीज़ का, और बड़ा वाला जो बॉक्स था वो 50 रुपीज़ का था। मैंने सिर्फ दो ही बॉक्स ऑर्डर करे थे, क्योंकि मुझे सिर्फ आप लोगों को वीडियो में बताना था और ऐसा यहाँ पर कोई ये गणेश उत्सव होता नहीं है तो हमारे ऑर्डर्स नहीं रहते हैं। और ये लीजिए, हमारा एक बॉक्स रेडी हो गया। और इस वीडियो का वेट और प्राइस भी बताती हूँ लास्ट में वीडियो में, क्योंकि मैंने बाद में वीडियो शूट करी थी। तब तक जो मैंने बड़े वाले मोदक्स बनाए थे उनकी भी पैकिंग देख लेते। ये वाला जो बॉक्स है मेरा फेवरेट वाला बॉक्स है, आप सबको पता है। तो मैंने बड़े वाले जो मोदक्स थे इन्हीं में फिल करे थे, और इसमें जो हमारे मोदक थे वो 9 मोदक्स आए थे, तो हम इसे 9 कैविटी मोदक बॉक्स बोल सकते हैं। और ऑल फ्लेवर है, मतलब ऑल फ्लेवर बॉक्स बोल सकते हैं आप इसे। तो चलिए अब बॉक्सेस का वेट और प्राइसिंग चेक कर लेते हैं। ये छोटे वाले जो मोदक्स थे इनका वेट था 150 ग्राम अप्रॉक्स। तो आप इसको, इसमें 11 मोदक्स हैं और सारे ही फ्लेवर्ड मोदक्स हैं, तो अलग अलग मोदक बनाने में टाइम बहुत लगता है रादर देन जब हम एक या दो फ्लेवर बनाते हैं। तो आप इसे लाइक 270, 280 और मैक्सिमम 300 रुपीज़ तक का सेल कर सकते हैं। और जिन लोगों की शिकायत होती है ना कि हमारे चॉकलेट्स पे मॉइस्चर आ जाते हैं, ये देखो मेरी किसी भी चॉकलेट पे, किसी भी मोदक पे मॉइस्चर नहीं आया हुआ, और मैंने लाइक ये 4-5 डेज़ बैक मोदक्स बनाए थे, तो अभी तक बिल्कुल सही है। सेकेंड वाला जो बॉक्स था, हम उसका भी वेट चेक कर लेते हैं। इसका वेट था अराउंड 200 ग्राम्स और 215 ग्राम्स। तो आप इसको, इसमें भी सारे फ्लेवर्ड मोदक्स थे और सारे अलग अलग कलर्स के थे, और आप सबको पता है कितनी ज़्यादा मतलब हमें मेहनत भी लगी थी इन वाले मोदक्स को क्रिएट करने में। तो आप इसको 350 रुपीज़ में सेल कर लीजिए, क्योंकि ये 9 मोदक बॉक्स है, तो 350 रुपीज़ इज़ इनफ, ठीक है। और इनमें कोई भी ना मतलब मॉइस्चर ना आए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको ना फ्रिज में नहीं रखने अपने जो चॉकलेट्स हैं, उन्हें बाहर रूम टेम्परेचर पर ही रखना है। मैंने अपने मोदक्स को एयर टाइट कंटेनर में डालकर रखा हुआ था। और अब मैं इसको बता देती हूँ स्टिकर कैसे करना है। ये वाले स्टिकर मैंने पहले भी आपको दिखाए थे, इस पर गणेश जी बने हुए थे, तो मैंने यही यूज़ कर लिए थे। और मार्केट में गणेश चतुर्थी के और भी स्टिकर्स आते हैं, आप वो भी ले सकते हो या प्रिंट करवा सकते हो। और जो मोदक बॉक्स है ना, अगर आप उसके कप लाइनर्स निकाल कर मोदक रखोगे तो बहुत परफेक्ट आता है। मैंने बाद में इसके कप लाइनर्स हटा दिए थे, उसके बाद ही रखा था, तो बहुत सही मतलब हो गया था, बॉक्स बन गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। और मॉइस्चर का ध्यान रखना प्लीज़, कि फ्रिज में नहीं रखना। एक बार चॉकलेट बन जाए आपकी, तो आप उसे रूम टेम्परेचर पर ही एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करोगे। और मेरे बॉक्सेस लेट आए थे, तो इसलिए मैंने एयरटाइट कंटेनर में रखे हुए थे। आपके सामने रिजल्ट है, और वीडियो भी आपको पता है मेरी 2 दिन पहले आई थी, और 1 दिन पहले मैंने मोदक बनाए थे। और आप सबके साथ एक बात और शेयर करना चाहती हूँ, आने वाली जो वीडियोज़ है उन्हें मिस मत करिएगा, क्योंकि वो गणेश चतुर्थी स्पेशल वीडियोज़ होंगी। और उसके बाद जो होगा वो डिज़ाइनर बार्स वाली, लाइक 2-3 जो क्लासेस होंगी वो डिज़ाइनर बार वाली होंगी, और उसमें आपको मस्त वाली जो डिज़ाइनर बार्स है वो बनाना बताऊँगी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय।